लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जी हम आपको बता दें कि डाली बाग में लगभग 10,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने दो बिल्डिंग को जमीन दोज कर दिया गया। यह बिल्डिंग शत्रु संपत्ति पर बनी थी जो मुख्तार ने फर्जी तरीके से अपनी मां के नाम करा ली थी। बाद में उनके दो पुत्र अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के नाम पर करा दिया गया था। दोनों बिल्डिंग बिना नक्शा के अवैध तरीके से बनाई गई थी। दोनों बिल्डिंग को गिराने के लिए LDA की विहित पदाधिकारी ऋतु सुहास ने 11 अगस्त को ढहाने का आदेश दिया था। आदेश के अंतराल में गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे प्रशासन व पुलिस बल के साथ LDA के अधिकारी 20 से ज्यादा बुलडोजर लेकर सुबह लगभग 6 बजे ही मौके पर पहुंच गए। यहां एक बिल्डिंग में ताला बंद था जबकि दूसरे में एक परिवार रह रहा था। उनको तत्काल घर खाली करने का फरमान सुनाया गया। LDA के कर्मचारी ने झटपट तरीके से बिल्डिंग के सामान को बाहर किया और दूसरी बिल्डिंग का प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ताला तोड़ दिया गया। कार्रवाई की भनक लगते ही वहां लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। LDA और प्रशासनिक अधिकारियों ने झड़प शुरू होने लगी, लेकिन 250 से अधिक संख्या में मौजूद पुलिस बल ने उन्हें खदेड़ दिया। बुलडोजर से बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई। कुछ ही देर में 3 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर जमीन दोज हो गई। कार्रवाई के बाद LDA और प्रशासन के अधिकारी वापस चले गए। एहतियात के तौर पर वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कि हम आपको बता दें कि UP में मुख्तार अंसारी के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी के चलते आज यह कार्रवाई की गई। पूर्वांचल से लखनऊ तक मुख्तार से जुड़े लोगों पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोरका ने बताया कि मुख्तार अंसारी गिरोह के निकट सहयोगी के रूप में चिन्हित 12 लोगों को जिला बदर किया गया है। S7 की डेस्क रिपोर्ट।